यहाँ पर इतना सुंदर नज़ारा आता ही है, क्या किया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पराठे वाली गली, सुबह 8:30 बजे पराठे प्रॉपर घी में तले हुए। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ यार, तो सबसे तो पहले तो यार माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से यार। एक्चुअली बात ऐसी थी ना कि अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसी कारण से तो व्लॉग नहीं बना पा रहे हम लोग नहीं यार, मैं ही मतलब सुनती है। तो फिर उस वजह से अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब व्लॉग आएंगे और अच्छे अच्छे आएंगे, चिंता मत करो उस चीज़ के लिए। फिलहाल तो यार जब गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट भी ज़रूरी होता है ना यार, सीट बेल्ट भी ज़रूरी होता है। तो यार मैंने आपको बताया नहीं ना आज का क्या प्लान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्लान बता देता हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली का हिडन जैम बोलो या फिर बोलो कि एकदम परफेक्ट प्लेस है सनराइज़ देखने के लिए दिल्ली में। आप भी सोच रहे हो यार दिल्ली में वो भी परफेक्ट प्लेस हो सनराइज, नॉट पॉसिबल ब्रो, बट है यार ट्रस्ट मी। यार तो एक गेट खोलो। अभी तो मुझे ये बंदे को पिक करने के लिए जाना है, वहाँ से हम लोग होते हुए जाएंगे, चिंता मत करो। तब तक आप नज़ारे लो आके के, ओके डैश कैम के। चलो बाय बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी, ओके चलो। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं यार, किधर एक हिडन जेम है भाई दिल्ली में, उधर पहुंचे हैं। और ये है अपना कश्मीरी गेट में, अगर आपको गेस कर लिए तो सही है यार, अगर नहीं गेस कर पाया तो मैं उधर जाके दिखाऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, सब जाएंगे। हाँ बिल्कुल भाई, और ये भाई मिला वो भी इतने सालों बाद, क्या बात है। वेट अ सेकंड, ये हुई ना बात। तुम वीडियो में हो पूरा देखना, ये जो अभी शुरू होने वाली ना खत्म नहीं होगी, काफी कुछ आएगा सामने यार, देखेंगे। देखने वाली चीज नहीं होती, जो बोलेंगे ना उस पे गौर है कि नहीं। बिल्कुल भाई, तो अभी हम आए हैं इधर, ये देखो जगह, ये अपना कौन सा होटल है, ये परमचंद स्पेशल सजी हॉस्पिटल है यार भाई। तुम क्या सेट ब्रो, सूट बुक कर दो, तू वाली सीट बुक करते बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये वाले होटल में नहीं, मतलब हॉस्पिटल में नहीं भाई, दिल्ली में ऑक्सीजन मिल रहा है और क्या लोग है। ऑक्सीजन देखो ना कितना सारा ऑक्सीजन है, और क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर मिलते हैं यार तुम्हें उधर जाके। अरे यार ये अभी हम जा रहे हैं भाई इस रास्ते से तो अभी हम आए हैं फिलहाल तो। अरे भैया यहाँ से किधर पता नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना यमुना घाट, तो यार अभी हम लोग यमुना घाट ही जा रहे हैं फिलहाल तो। अभी तो फिलहाल भाई कोहरा ही कोहरा है, इस कोहरे की चादर में भाई कब तक ढके रहेंगे हम लोग यार। सूर्य सूर्योदय हो जाओ, कोई उपाय है भैया जल्दी सूर्योदय करवाने का बताओ कुछ। हो सकता है भाई, वाली जो भी बता था ना आपको दिख नहीं रहा होगा यार, बहुत कोहरा है। अभी हम भी जाएंगे यार कुछ देर में, चिंता मत करो, भाई लेके जाएंगे हमें यार। लेकिन गंदगी होनी कब बंद होगी इधर। कौन कौन सी घाट, एक तो वो घाट है, वो उधर काफी सारी पब्लिक बैठी हुई है। कितना? 132। 132 तक, और अभी तो भाई काफी सारी पब्लिक आती रहेगी, और कब तक आती रहेगी भाई? 10 बजे तक, 11 बजे। क्या बात है, और इन भाई को देखो, इन जनाब को, ये पहले ही चढ़ चुके हैं। थोड़ा जन्नत भाई अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, अभी तो सीगल्स भी आएगी ना। सही है भाई,
भाई अभी जन्नत में आ रहे हैं भाई, हमारी ये फोटो खींच दो यार। ये देखो यार, वहाँ पर अपने भाई लोग उधर बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं यार सुबह सुबह। और घोड़ा है इतना यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आई थिंक भैया सामने है ना आइलैंड, तो हाँ ये थोड़ा मोड़ा कुछ दिख रहा है ना, ये आइलैंड है, वही आइलैंड है। ये देखो यार, पंछी के लिए खाना यहाँ पर है, यहाँ पर पंछी हैं, सीगल्स और वो आइलैंड जिसमें बात करता था। आइलैंड में चलें, बता आइलैंड में चलें, चलो 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 अब चलते हैं, आइलैंड में चलते फिलहाल। तो यार मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि इतनी सुबह सुबह और इतनी ठंड में भाई यहाँ पर डुबकी मारूँ, बट यार हाँ बट यार ऐसे इतनी हिम्मत नहीं है नहीं फिलहाल तो, बाकी चलते हैं वहाँ पर। उधर क्या है भाई है? वो मंदिर है भाई। अच्छा मंदिर है यमुना माँ का? नहीं भाई, श्री बाहुबली कंट्री का। अच्छा जी, अपने भाई ये वाली बोर हो गई, वो वाले तो भाई लेके चले गए। सामने व्लॉगिंग आगे व्लॉगिंग। वाह हमारे बोटमैन। यस मिलो इनसे, उड़ गए अब मत मिलो इनसे। ये हमारा आइलैंड आ गया, मिनी आइलैंड। अच्छा हाथ पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, ये पकड़ पहले हाथ तो पकड़ा जाएगा। भाई अपने जा रहे हैं, बाकी देखो कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। और आज यार मैंने गोप्रो का ना चार्ज भी नहीं लगाया था रात में, इसलिए बैटरी सिर्फ और सिर्फ भाई मैं 33% से लाया हूँ, अभी 29 हो गई है, और उससे मैं क्या शूट करूँ पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। बट यार मेहनत पूरी है, मेहनत पूरी है यार, इसलिए लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी दबाओ। अभी यार घड़ी में टाइम हो रहा है 7:30, मैं 7:35 हो रहा है, तो यार 7:35 होते होते कोहरा भी साफ हो गया यार, ये देख रहे हो, ये देखो अब वहाँ का भी दिखने लग गया है, और यहाँ वहाँ से यहाँ का नहीं दिख रहा था बट अब यहाँ से वहाँ का दिखने लग गया। अब मजा आएंगे ना, अरे कितना सुंदर नज़ारे सीधे से यार, क्या सुंदर नज़ारे हैं जो पारदर्शी दृश्य है, पारदर्शी दृश्य धीरे धीरे घटेगा आपको सब कुछ फुल एचडी में दिखेगा। बट यार रिकॉर्डिंग 4K में हो रहा है। अरे फुल 4K में देखे। तो यार हम लोग यहाँ पर हैं कश्मीरी गेट, यहाँ से आपको यहाँ से नीचे उतरते उतरते यमुना घाट दिख रहा है, सीधा जाना बस आ गया तुम्हारा आपका यमुना घाट। बाकी यार जब बोटिंग करने की चार्जेस ना बता दूँ, आधे घंटे के लिए 100 rupees है, और आइलैंड में ले जाएंगे तो उधर से 50, तो टोटल हो गया 150। पर अपने अपने भाई अच्छे हैं,
तो उन्होंने सिर्फ 100 रुपये लिया हमने मना लिया जैसे तैसे, बट कोई ना घूम लिए। अभी जाते हैं थोड़ा सा गाड़ी में बैठते हैं, मैं चार्ज में लगा दूंगा, वो चार्ज होता है। मतलब कि सब कुछ डाल के देख लियो अच्छा पेट्रोल भी डाल दी यार, इसमें आग ही नहीं लग रही। आग लगी है भाई, लग गई लग गई। आग लगाना ही तो सीखा है मैंने, रुक जा अपने भाई आग लगाना सीख बता रहे हैं। बताओ भाई कैसे लगाते हैं आग पीछे से आके हल्की हल्की से ना सुरूर वाली फूंक दो ठंडी का एक यही तो सहारा होता है और यही नहीं चल रहा। बताओ लो 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 चाय, ओए ओए अदर क्वालिटी चाय, एक नंबर यार। हाँ आग जला के मिलते यार आपसे। फाइनली भाई आग जल गई, कोशिश करते करते। अभी हम आ रखे हैं लाल किला चांदनी चौक। ओ हो 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 बट यार यहाँ से अभी हम जा रहे हैं पराठे वाली गली, हम लोग कुछ पराठे दबाएंगे दबा के खाएंगे एक पहले, फिर एनर्जी आएगी। इतनी ठंडी में यार कुछ नहीं हो पा रहा, बहुत ठंडी है यार, बहुत ठंडी। कितना डिग्री में दिखाता हूँ उनको बेटा, सेकेंड में सीधी 8 डिग्री भाई, जम जाएंगे हम भाई तो पूरा पैक हो गया है हाँ ठंड बहुत है, पूरा चांदी चौक का गुजारा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फटे है। भाई पराठे वाली गली सुबह 8:30 बजे यार, कुछ खुलाओ तो कुछ खाए भी यार। अरे वाह सामने सारे से खुला हुआ है, देखते आ जा भाई जी यहाँ पर आए पराठा खाने इधर। तो अभी हम यहाँ पर लेंगे आलू का पराठा, अभी ये आया बाकी वहाँ पे अभी बन रहा अपना रोटी, रोटी नहीं पराठे आलू के। कैसा है आलू सब्जी? आलू की सब्जी है, लाइट है, नॉट टू स्पाइसी। और एक आलू कद्दू की सब्जी, ये सीताफल है, ये थोड़ा स्वीट है, ये आलू की सब्जी है, आलू जीरा, आलू जीरा ये थोड़ा स्पाइसी है। अच्छा तो चटनी अपना स्पाइसी, मतलब ये है ना स्वीट से लेके नॉर्मल स्पाइसी तक सब डाल रहा है, जो बाकी आपको पसंद है सैलेड, जो आपको पसंद है आप ले खाओगे। हमें भी ट्राई करना है। आलू की सच में कमी नहीं है भाई, किसा ट्राई करें बताओ आलू। मजाक से हटके बहुत टेस्टी है भाई, भाई एक नंबर, बट ट्राई मस्ट ट्राई दिस। भाई कहीं नहीं पराठे गली आना है, कहीं मत आना यहाँ पर आना, पराठे गली आओ, पराठे खाने तो पराठे गली आओ, सही वहाँ पे मत जाना। ओ मस्ट ट्राई इधर, और मिलते खाना खाने के बाद यहाँ।
अब बोलो भाई, मस्त एकदम घी के तले हुए पराठे खाए हैं। पराठे गली में घुसना, पहला दो कट पे इसको दिख जाएगा, पहले ही कट पे यार, एकदम पहले ही कट पे दिख जाएगा। और इधर आना भाई, मस्त है। सुबह का टाइम है, इसे थोड़ा रश कम है, बहुत भाई रस है नहीं, मतलब कि एक रस से पूरा जाता है। पर अभी जिस तरह माहौल है वहाँ, जिस तरह दुकानें हैं, नौ भी नहीं बजे ना प्रॉपर, तो अभी तो जिस तरह माहौल है, जिस तरह दुकानें हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बट अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, सुबह सुबह के टाइम आना यार, यमुना घाट भी घूम लेना, इधर खा भी लेना। अभी सनराइज हो रहा है, तो फिर अभी है ना यमुना घाट में मज़े आते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर हैं, बताओ चांदनी चौक में। बट यार उसमें काफ़ी टाइम लगता है यार, 10 बज जाते हैं, उसके लिए वेट कौन करे यार, इतना काम भी तो बहुत है, सुबह सुबह आए हैं यार, है ना, भाई की जॉब है। अरे बताओ अभी तो पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं उनको, पर सामने एकदम देखो ना, लाल किला दिख, बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा नहीं, मैं जूम कर दूंगा बस बस। वहाँ से खाने के बाद हम पार्किंग में आ चुके हैं, पार्किंग में से गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं फिर घर। अब गाने सुनते सुनते, बिल्कुल गाने सुनते सुनते, लेकिन आपको नहीं सुना सकते क्योंकि उसका इशू है कॉपीराइट। यस, अगर यूट्यूब कॉपीराइट ना दे तो आपको भी गाने सुनाएंगे हम अगली बार। हम यहाँ है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, ये एरिया दिल्ली के एकदम बीचों बीच ही है, नियर इंडिया गेट, इंडिया गेट के जस्ट सामने आपको मिलेगा। थोड़ा ट्रैफिक जाम है क्योंकि अभी लोग काम पे निकले हैं बस, मतलब यहाँ अगर आप आओगे ना एक गोल चक्कर, ठीक है, आप मतलब इंडिया गेट के करीब आओगे तो मतलब वॉर मेमोरियल से लेके ट्रेन म्यूजियम, हाँ इंदिरा गांधी, फिर वो भी क्या कहते हैं साइंस सिटी पार्क, सब इसी लेन में गोल गोल पे है, आसपास है, सब सब आसपास है, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब रोड थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं आपको काफी दूर जाना पड़ेगा ऐसा लगेगा, बट नहीं आप ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे आपको सब दिख जाएगा, सब अगल बगल है, ज्यादा इधर उधर नहीं करने का है। नहीं तो फिर अगर मतलब गाड़ी लेके आओगे तो ठीक है, बट जाम में थोड़ा फंसने के चांसेस है क्योंकि अभी अभी ये बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बन रहा है, उसके कारण अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पे, बस वही दिक्कत है फिलहाल तो। बाकी पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, आपको मतलब सब वेल एंड नाइस दिखेगा। चलो मिलते हैं, चलो भाई मिलते हैं, मिलते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी मिलेंगे, बाय ब्रो, बाय ब्रो, बाय बाय बाय। फिलहाल तो ये गया भाई बंदा, बाकी मुझे यार अभी यू टर्न लेके पूरा वहां पे जाना, जाम में फंसना है, कितना भीड़ है यार, भीड़ बहुत, ट्रैफिक है यार, ये देखो अभी मैं हूँ मालवीय नगर के रास्ते, इधर से जाएंगे अब घर अपना। और तो एक तो नाक भी बंद हो गई यार, उफ, कैसे चलेगा काम, ओटीपी लेना पड़ेगा और क्या है ना यार, बिना ओटीपी के नहीं होगा। सो फाइनली यार हम लोग 10:50 में घर पहुंच चुके हैं यार, इधर पहुंचते पहुंचते यार इतना हालत ख़राब हो गई कि इतना ट्रैफिक भाई, बहुत ट्रैफिक, क्योंकि अभी था ये ऑफिस टाइम इसीलिए, तो 10:50 में तो घर पहुंच चुके हैं, घर जा चल के भी कुछ खाते पीते हैं ना, तो यहां से हम सब कुछ हटाते हैं, ये सब है पूरा, ये चाबी वाबी सब कुछ साथ में, ये छोड़ो आपको तो दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, तो निकलते घर, और तब तक के लिए बस इतना ही, तो ख्याल रखो अपना क्योंकि कोविड फिर से आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, चाबी गिर चुकी है, बाय बाय।